के बाद देश ये देखना चाहते हैं कि बजट पे चर्चा अच्छी तरह से हो, सार्थक हो, ये सब चाहते हैं। कल ओपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, मैं उसको सबसे पहले तो खंडन करना चाहता हूं कि बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि दल के लिए जो कुछ करना था चुनाव में किया है, अब देश के लिए सबको मिलकर काम करना है। दल के लिए नहीं, देश के लिए अगले 5 साल देश के लिए सबको करना है, प्रधानमंत्री जी ने अपील किया। कल विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। दो चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कल आप देखेंगे अच्छा से, आप पूरे वीडियो को भी आप फिर से देख लीजिए, एनडीए के जितने लोगों ने कल बजट चर्चा में भाग ली, सब ने बजट के बारे में अच्छी तरह से जिक्र किया और सुझाव दिया और अपना अपना राज्य में जो फायदा है उसको भी गिनती किया। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में, बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना, ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते फिर से अपील करता हूं कि बजट सेशन में बजट पे चर्चा होना चाहिए। मैं विस्तार में तो नहीं कहूंगा क्योंकि अभी सदन में चर्चा चल रही है, लेकिन जो बजट में इस बार निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है, मोदी जी का तीसरी टर्म में भारत का दुनिया का सबसे तीसरे बड़े अर्थशक्ति बनाने का, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनाने का पूरा प्रावधान नींव इस बजट में रखा है, इसमें क्यों चर्चा नहीं होते हैं? बजट में 11,11,111 करोड़ कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो बजट आवंटन किया गया उसके बारे में विपक्ष के लोग क्यों चर्चा नहीं करते हैं? किसानों के लिए जो देश ने भूल गए थे, ऐसे छोटे छोटे ट्राइबल्स लोगों के लिए जो प्रावधान रखा है मोदी जी ने, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? दूर दराज नॉर्थ ईस्ट से लेकर के कोस्टल एरिया से जो फिशरमैन, फार्मर, यूथ का जॉब इंप्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो प्रावधान, इसको चर्चा क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ गाली देने का काम क्यों करते हैं? मुझे ये बहुत जरूरी इसलिए समझा कि अगर सही समय में विपक्ष के लोगों का समझ में नहीं आया तो जनता पनिशमेंट देंगे उसको। जनता ने जनादेश दिया है और सरकार चलाने के लिए मोदी जी को तीसरे टर्म भारत के लोगों ने दिया है। हम अपने आप सत्ता में नहीं आया, मोदी जी को तीसरे टर्म प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह जनादेश भारत के जनता का है और भारत के जनता का इस निर्देश को आप इस गलत तरीके से अपमान करके और नैरेटिव बदलने का कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। बजट सेशन बजट पर चर्चा होना चाहिए। बताइए ना, इतना हिस्टोरिक जो बजटरी एलोकेशन हुए हैं हर सेक्टर के लिए, कैसा खर्चा करना चाहिए वो बताइए ना। विपक्ष के लोगों को ये बताना चाहिए कि इतना बड़ा बजट को खर्चा करने के लिए और क्या क्या कदम उठाना चाहिए वो बताओ ना, सुझाव दो। सुझाव देने के लिए बजट सेशन होता है, या गाली गलौज देने के लिए बजट सेशन नहीं होते हैं। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, लेकिन अपील भी कर रहा हूं कि कल पहला दिन बजट में जो विपक्ष के लोगों ने हरकतें की है
वो दोबारा नहीं होना चाहिए। बजट के समय बजट पे चर्चा होना चाहिए, और साथ साथ हमारे एनडीए के जितने भी स्पीकर से मैं बधाई देता हूं, उन्होंने राजनीतिक भाषण नहीं दे करके बजट पे चर्चा किया और देश को आगे ले जाने के लिए अपना सुझाव भी दिया है। आई जस्ट वॉन्ट टू रिपीट क्विकली इन इंग्लिश। येस्टरडेज फर्स्ट डे डिस्कशन ऑन बजट इन द पार्लियामेंट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम द अपोजिशन रोल। अपोजिशन पार्टी हैज इंसल्टेड द मैंडेट गिवन बाय द पीपल ऑफ इंडिया फॉर ए हिस्टोरिक थर्ड टर्म ऑफ मोदी जी। इट इज वेरी यूनिक दैट डेमोक्रेटिकली ए पर्सन गेट्स अ थर्ड टर्म कॉन्जिक्यूटिवली व्हेन द पीपल ऑफ द कंट्री हैव ऑलरेडी गिवन देयर मैंडेट। लेट अस वर्क फॉर द नेशन। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज गिवन अ क्लैरियन कॉल दैट आवर पॉलिटिक्स इज ओवर विद इलेक्शन, नाउ डिवोट आवर टाइम फॉर द नेशन। दल नहीं, देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है। पांच साल के बाद फिर से चुनाव जाएंगे, तब राजनीति करो। दैट इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज मेड एन अपील। यस्टरडे ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज हैड डन टू थिंग्स। नंबर वन, टू इंसल्ट द मैंडेट गिवन बाय द पीपल ऑफ द कंट्री एंड टू इंसल्ट प्राइम मिनिस्टर्स हिस्टोरिक थर्ड टर्म। द थर्ड टर्म इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर एनीबॉडी इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। लेट अस रेस्पेक्ट द मैंडेट गिवन बाय द पीपल ऑफ द कंट्री एंड मेक द बजट सेशन अ यूजफुल सेशन। आई वुड वेलकम ऑल इम्पोर्टेंट सजेशंस एंड कमेंट्स ऑन द बजट। डोंट रिजोर्ट टू अब्यूज एंड इंसल्ट। येस्टरडे द ओनली थिंग द ऑपोजिशन पीपल हु स्पोक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हैड रिजोर्टेड टू इंसल्टिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो इंसल्टेड द मैंडेट गिवन बाई द पीपल ऑफ दिस कंट्री। सो विद द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड डे ऑफ द बजट डिस्कशन, आई वुड अर्ज एवरीबडी टू स्पीक ऑन बजट एंड डोंट रिजोर्ट टू एनी काइंड ऑफ अनपार्लियामेंट्री कंडक्ट एंड स्पीचेस विच विल डिमीन देयर ओन पोजिशन एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ द पार्लियामेंट। पीपल ऑफ द कंट्री want to see healthy debates and discussions on the floor of the parliament. Let us respect the mandate of the people, and people of the country will not tolerate the mandate given to the Prime Minister Modi's third term. It is the mandate of the people of the country. If anybody tries to insult the people's verdict, people will punish, but that we will do in the election time. This is not election time. This is a budget session. Let us discuss on budget, and all the floor leaders, especially the political leaders of opposition party, they must tell their MPs not to create ruckus in the parliament, and let us have a civilized, sensitive, sensible and constructive debates and discussion during this budget session of the parliament. Thank you. Sir, once an opposition post presentation of budget have decided that their CMs, opposition ruled CMs, will not attend the Niti Aayog meeting because they say their states have been neglected in the budget, how do you respond to that? This is not a time for politics. It is time for constructive engagement, coordination and cooperation to make Viksit Bharat. Prime Minister has already given a clear-cut timeline. Within the third term of Modi ji's prime ministership, India will become the third biggest economy in the world. Let us come together and work for the nation. Let us not do politics on such important matter, and during budget session let us concentrate on budget. The mandate must be respected, but you are now saying, as to our position is saying, that it's a weak government and very soon change will be there. Your comments on this control statement which is being made by the opposition leader? See, I am very clear about it. The mandate given to Modi ji and NDA cannot be termed as a fraud. What do you mean by mandate not given? Where has this mandate come from? Has the mandate to Modi ji come from the heaven? It has come from the people of this country. Why are they insulting the mandate given by the people of this country? And the Congress is reduced to 99 seats even in their third attempt. Is that a mandate? Every
NDA candidate fought in the name of Modi ji's leadership as a prime minister candidate. Sir, yesterday through the whole day, we have seen that how opposition parties have protested inside and outside the parliament as well. They have been saying that this is a compromised budget. This budget is NDA budget and not an India budget. Nothing has been given to such states which are non-BJP. Let us appreciate such a balanced, beautiful, progressive budget and discuss on the provisions of the budget. Let us not play politics on the budget. Politics you can play outside, but during budget session, while discussing on the budget, let us discuss on the merits of the budget which is going to make India a Viksit Bharat. Let us debate and discuss on that.